दोस्तों 2021 आईपीएल का रिटेशन इवेंट हो चुका है और फ्रेंचाइजियों ने अपने पूल से बड़े नामों को रिलीज के साथ कुछ साहसिक कदम भी उठाए हैं। फरवरी 2021 में आईपीएल 2021 की मिनी नीलामी की संभावना है और इसके लिए तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2020 में बेहद खराब सीजन खेला, जहाँ वे अपने आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेऑफ की बर्थ को सील करने में विफल रही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन पर सीएसके इस बार दांव खेल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल 2020 का सीजन बेहद खराब रहा था, जिसके कारण किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसे देखकर शायद ही किसी को हैरानी हुई होगी। 13 मैचों में उन्होंने अपने खाते में 15.42 की औसत से सिर्फ 108 रन ही बनाए और कुल 3 विकेट लिए थे। हालांकि जब वे ऑस्ट्रेलियाई रंगों में वापिस गए तो वे एक अलग ही रूप में दिखाई दिए। उन्हें भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के मैचों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में देखा गया था। मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ कुछ शानदार अर्धशतक जमाए और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका अदा की। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सीएसके इस मौके को भुना सकती है। स्टीवन स्मिथ। आईपीएल 2020 स्टीवन स्मिथ के लिए भाग्यशाली नहीं रहा, जो बल्लेबाज और कप्तान दोनों के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स टीम से बाहर कर दिया गया और संजू सैमसन को उनका नया कप्तान घोषित किया गया है। स्मिथ ने आईपीएल 2020 सीजन की शुरुआत कुछ अर्धशतक के साथ की, लेकिन टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ ही अपनी लय खो दी। राजस्थान 2020 के आईपीएल में अंक तालिका में अंतिम स्थान पर रहा। हालांकि जब वे उत्तम दर्जे का बल्लेबाज अपने घरेलू मैदान पर उतरा तो उसे अपनी सामान्य लय में देखा गया, क्योंकि उसने भारत के खिलाफ बैक टू बैक शतक बनाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके सभी रिकॉर्ड और उनके अनुभव के अनुरूप चेन्नई उनमें रुचि दिखा सकती है। क्रिस मॉरिस। आरसीबी आईपीएल में एक ऐसी टीम है जो अपनी टीम के साथ बहुत अधिक प्रयोग और फेरबदल में विश्वास रखती है। इस बार भी उन्होंने 10 खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया और ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस उनमें से एक थे। उन्होंने पिछले सीजन में 11 विकेट झटके और कुल 34 रन बनाए। सीएसके अंत तक अपनी हिटिंग अक्षमता के कारण उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकती है। यह प्रोटियाज ऑलराउंडर खेल के किसी भी चरण के दौरान गेंदबाजी कर सकता है और अपनी तूफानी स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। सीएसके के पास उनके पर्स में एक उचित राशि है, जिससे वे मॉरिस को लेने का फैसला कर सकती है। मिचेल स्टार्क। स्टार्क को मौजूदा समय में क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक पेसरों में से एक माना जाता है। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल नहीं खेला, लेकिन आगामी आईपीएल 2021 की नीलामी में उनकी मांग बहुत अधिक हो सकती है। स्टार्क आखिरी बार आरसीबी के साथ खेले थे और आगामी संस्करण में फिर से देखे जा सकते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स आकाश चोपड़ा का मानना है कि स्टार्क आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक शुरुआती कॉल हो सकती है, लेकिन स्टार्क फरवरी में होने वाली मिनी नीलामी में ताल ठोक सकते हैं। भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रीलंका में स्टार्क अपने सबसे अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन सीएसके को अपने डेथ ओवरों के लिए एक प्रभावशाली गेंदबाज की जरूरत है। स्टार्क के लिए पिचिंग से उन्हें दीपक चहर के साथ शानदार तालमेल बनाने की अनुमति मिलेगी और वे टीम के लिए बहुत भाग्यशाली होंगे। डेविड मलान। दुनिया में आईसीसी नंबर 1 टी20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज आईपीएल 2021 की नीलामी में फ्रेंचाइजी की पहली पसंद होगा, जिसने कभी आईपीएल नहीं खेला। यह टी20 विशेषज्ञ कभी भी आईपीएल का हिस्सा नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 टीम में नाम आने के बाद वे 2017 जून में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। न केवल उन्होंने मैच में शुरुआत की, बल्कि अपनी बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया। वर्तमान समय में इस इंग्लिश बल्लेबाज ने 53.43 की शानदार औसत से 855 रन बना रखे हैं। वह निश्चित रूप से सीएसके लॉट के लिए एक बड़ी संपत्ति हो सकती है। सीएसके को ऐसे शानदार बल्लेबाज के संपर्क में आने के लिए अपने पर्स को थोड़ा ढीला करना पड़ सकता है।